आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, तो एक मीनार पहले ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा मीनार, और मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, मतलब मीनार के ऊपर बोल रहा है, और यहाँ पे क्या है, 10 मीटर का एक झंडा है। यहाँ पे एक झंडा है और इसका हाइट दिया गया है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक झंडा है, और ये वाला क्या है, मीनार है, यहाँ से यहाँ तक इतना बोला गया है। अब बोल रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु, तो ये जमीन हो गया, ये वाला जो है ये जमीन हो गया, और जमीन पर स्थित एक बिंदु, तो ये वाला हम मान लेते ये वाला बिंदु का बात कर रहा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, ठीक है, तो झंडा ये है, तो पाद मतलब उसका नीचे वाला और शीर्ष मतलब उसका ऊपर वाला, तो पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो इसी पॉइंट से बोल रहा है, ठीक है, जमीन के एक बिंदु से इसके पाद और शीर्ष का, तो पाद का कितना हो जाएगा, ठीक है, पाद का और फिर यहाँ से शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया 30 और 60। तो देखिए 30 और 60 डिग्री लिखने में बहुतों को दिक्कत होता है, तो देखिए बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला हो जाएगा यहाँ इसके लिए, मतलब 60 डिग्री जो है ये बड़ा वाला होगा, ठीक, ये बड़ा वाला का 60 डिग्री हो जाएगा, और ये छोटा वाला जो है ये 30 डिग्री का होगा, क्योंकि छोटा एंगल जब छोटा बनेगा तो उसका वैल्यू भी छोटा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है, और ये बड़ा एंगल है इसीलिए बड़ा वाला वैल्यू होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही इजी ट्रिक से। पार्ट वन में मैंने बताया था जब 30, 60 और 90 दिया रहे तो इसका हो जाता है 1√32, ठीक है, 1√32 कहने का मतलब है, आप हम फिगर देखते हैं तो इसमें देखिए दो गो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, दो गो बन रहा है। तो पहले छोटा वाला हम देखते हैं, तो ये छोटा वाला देख रहे हैं, तो इसमें दिया गया 30 और यहाँ पे तो 90 होता ही है, ये वाला 90 होता ही है, तो ये वाला है 30, को थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देते हैं, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, यहाँ पे तो ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के होता है 180 डिग्री, ठीक है, जब 30 है तो 60 होगा ही होगा ये। अब इसको हमको पता है कि 30 का हो जाता है 1, तो 30 का सामने वाला भुजा जो है 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का क्या आया, 1 आया। उसी तरीके से 60 का क्या होगा, √3, मतलब यहाँ से यहाँ तक √3, ठीक, ये 60 है तो इसके सामने वाला इसका ये हो जाता है भुजा, ठीक है, तो √3 इसका होता है, और 90 का हो जाता है 2, तो 90 के लिए ये वाला होगा। अब उसी तरीके से अब इस फिगर को देखेंगे, ये बड़ा वाला फिगर को, तो बड़ा वाला के लिए क्या है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 30 का हो जाता है 1, तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 होना चाहिए था, 30 का 1 फिर 60 का √3, मतलब यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक √3 होगा, 60 का √3 और ये वाला 2, बस इतना ही लिखना है, और ये हम समझा रहे हैं इसीलिए लग रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ही सेकंड्स में ये बनेगा, सिर्फ समझने का देरी है। तो देखिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला जो दागी है, या तो 1 होगा या तो √3 होगा, पार्ट वन में मैंने बताया था 1 और √3 जब रहे, ठीक है, याद रखना है, जब दो को अलग अलग वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, और ये एक ही को दागी है, तो मतलब इस दागी का लंबाई तो या तो 1 होगा या तो √3 होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 1 से 1 को जो है √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 1 को अगर √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को अगर √3, इसको फ्रेश करके कर लेते हैं, 1 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा ये। अब अगर 1 को हम किए, ठीक है, 1 को हम मल्टीप्लाई किए, तो इसका मतलब क्या है, बाकी सबको भी करना पड़ेगा, मतलब 1 हम किसके लिए था, तो 1 इस 30 के लिए था, 30 के लिए 1 लिखे थे, मतलब बड़ा वाला फिगर के लिए था 1, तो बड़ा वाला फिगर के लिए देखिए ये वाला भी है √3, तो इसमें भी करना पड़ेगा, तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हम देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये हम थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे हम √3 लिख देते हैं छोटा वाला फिगर के लिए, सामने सामने लिख देते हैं वैल्यू सब, और बड़ा वाला फिगर के लिए दूर में ये लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो अब देखिए ये दागी जो है √3 होगा या फिर 1 होगा, तो ये 1 को हम लोग एक ही कर देंगे इसमें कन्वर्ट करने के लिए, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √3 हो गया। अब देखिए बाहर वाला से हम मल्टीप्लाई किए, मतलब दो बड़ा वाला फिगर के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी बड़ा वाला के लिए क्या था, √3 था, इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले को तो तीनों से करना पड़ेगा, तो कर दिए, तो ये √3 √3 3 हो जाएगा। अब ये दागी का पूरा लंबाई कितना हो गया, 3 हो गया।
अब देखिए बहुत ही इजी से निकल जाएगा, ये धागी का लंबाई हो गया 3, पूरा धागी का लंबाई तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 3 में से अगर 1 घटा देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, ये दागी निकल के आ जाएगा। अगर ये पूरा बड़ा दागी में से इस दागी को अगर घटा देंगे तो हम लोग का यही दागी बचेगा, तो 3 है ये पूरा दागी, तो 3 में से अगर 1 घटा देंगे तो हम लोग का होगा 2, और वो हो जाएगा इस दागी का लंबाई, और इस दागी का लंबाई हम लोग को पता है दिया गया था 10 मीटर, ठीक है, तो 2 बराबर 10 मीटर हम लोग लिख सकते हैं, 2 बराबर 10 मीटर, बहुत ईजी है। तो पूछा गया था, देख लेते हैं मीनार की ऊंचाई निकाले, तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया था, तो मीनार यहाँ से यहाँ तक था, मीनार यहाँ से यहाँ तक मीनार था, ऊपर में तो यहाँ से यहाँ तक तो झंडा है, तो मीनार का ऊंचाई कितना है, 1, तो 1 बराबर हम लोग इजी से निकाल सकते हैं, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या होगा, इसका जस्ट आधा हो रहा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, या फिर ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 10/2 × 1 तो हो जाएगा 5 5 मीटर। तो देखने में बहुत बेचिता लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि बहुत ही टफ तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन इसी तरीका को यूज़ करके आप लोग सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोग खुद से ट्राई करिए और सारा क्वेश्चन को आप लोग इसी प्रोसेस में बनाइए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें दिया गया है एक ही क्षैतिज तल पर एक वृक्ष और 40 मीटर लंबा एक मीनार है, तो एक ही क्षैतिज तल पर मतलब होता है मतलब एक ही जगह पर, ठीक है, मतलब एक ही जमीन पर, तो ये जमीन हो गया, एक ही क्षैतिज तल हो गया, पर एक वृक्ष और 40 मीटर लंबा एक मीनार है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वृक्ष जो होता है मीनार से छोटा होता है, तो एक मीनार है ये, इसको हम मीनार मान लेते हैं, इस साइड में मीनार है और इस साइड में एक वृक्ष है, ठीक है, तो वृक्ष छोटा होता है हमेशा मीनार से, ये याद रखना है। तो बोला गया है एक ही क्षैतिज तल पर एक वृक्ष और 40 मीटर लंबी एक मीनार है, तो मीनार का लंबाई दिया गया है मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पता है कितना दिया गया है, 40 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है मीनार की चोटी से, तो मीनार है ये है, तो मीनार का ये चोटी हो गया, तो मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद, तो वृक्ष का ये पाद हो गया, ठीक है, और ये शीर्ष हो गया, तो बोला गया मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद और शीर्ष, मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद और शीर्ष, मतलब यहाँ से दोनों का बोला गया, यहाँ से इसका पाद भी बोला गया, यहाँ से इसका शीर्ष भी बोला गया, तो यहाँ से इसका शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्यों किस किस में 60 लिखेंगे और किस में 45 लिखेंगे, तो इससे पहले हम फिगर को थोड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि दोनों में ट्रायंगल बनेगा, तो ये देखिए इसमें अगर एक दागी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे डॉटेड में, या फिर ऐसे ही ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन जा रहा है। अब देखते हैं मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद, तो पहले क्या बोला था, मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके हम लोग को समझ लेना है कि किसका कितना डिग्री है, वृक्ष के पाद का ये वाला हो जाएगा और शीर्ष का, तो शीर्ष का कितना है, 45, तो ये वाला शीर्ष है, शीर्ष का कितना दिया गया है, 45, इतना बोला गया है। अब बोल रहा है तो वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी निकाले, दो को इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वृक्ष की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को निकालने बोला गया है ये वाला, और दोनों के बीच की दूरी, तो मतलब वृक्ष और ये मीनार इसके बीच का दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालने हम लोगों को बोला गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन को तो समझ लिए, बहुत ही ईजी है, सब क्वेश्चन को हम लोग वही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस फिगर को, ठीक है, इसमें भी दो गो ट्रायंगल है, कि ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ तक ये था मीनार। तो देखिए इस फिगर को पहले हम लेते हैं, पहले आप लोग किसी भी फिगर को ले सकते हैं, तो देखिए एक ये फिगर बन रहा है, तो इसको हम लोग पहले लेते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 होगा ही, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक, ये 30 होगा क्योंकि ये 60 है, तो ये 30 और 90 होगा ये, तो ये 30 जब है तो 30 60 90 के लिए हम लोग को पता है 1√3 करना है, 1√3 और 2, तो 30 का हो जाता है 1, तो मतलब 30 का क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा मतलब ये हो जाएगा 1, फिर 60 का हो जाएगा √3, तो 60 के लिए यहाँ पे लिखेंगे √3, और 90 के लिए 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2। ये समझ में आएगा कि किस फिगर का हम लोग कहाँ पे लिखे हैं, देखिए छोटा वाला फिगर का बनाए हैं हम, तो सामने में थोड़ा लिख दिए इससे याद रहेगा, अब जो बनाएंगे ये बड़ा वाला फिगर, देखिए यहाँ ये वाला फिगर को अब बनाना है, तो ये एक बन रहा है 90 डिग्री, तो अब देखिए इसमें 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पूरा 45 हो जाएगा, तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, 45, ये 45 है, तो ये 45 होगा और ये 90 होगा ही, तो 45 के लिए क्या आता है हम लोग का 1,
45 और 90 जब रहता है तो होता है 1 1 √3 1 1 √2। जब 45 और 90 रहता है तो 1 1 और √2 होता है, ठीक है। तो 45 के लिए 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरा दागी जो है हम लोग का 1 हो जाएगा, ये पूरा दागी 1 हो जाएगा। और ये √2, ये 2 जो लिखे हैं हम इस दागी के लिए लिखे थे, ठीक है, ये 2 इस दागी के लिए लिखे थे, तो यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। और इसके लिए कितना हो रहा है, 45 के लिए 1 होगा और इस 45 के लिए भी 1 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस 45 के लिए 1 और 90 का √2 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए हम लोग को ये वाला वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू हम लोग को पता है, टोटल मीनार है और इसका ऊंचाई जो है 40 मीटर है, ठीक है, ये टोटल का 40 मीटर है। और यहाँ पे देखिए इतना का वैल्यू हम लोग को पता है कि ये कितना है, √3 है, ठीक, ये √3 है पूरा का, यहाँ पे √3 जो लिखे हैं ये कितना का है, पूरा का है, यहाँ से यहाँ तक का √3 है, पूरा का कितना है, √3 है, वही ना निकाले थे, तो √3 यहाँ पे लिखे थे, इसका मतलब क्या, ये पूरा का था, पूरा का √3 है और यहाँ तक 1 है। अगर मान लेते हैं यहाँ का पूरा का अगर 3 रहता और इतना 1 होता तो ये कितना हो जाता, 2 हो जाता। कैसे 2 हो जाता, क्योंकि पूरा अगर ये 3 है और यहाँ तक 1, तो 3 से 1 जाएगा तो 2, तो 3 से 1 अगर घटा देंगे तो 2 आता। उसी तरीके से √3 है तो √3 से 1 घटा देंगे तो इतना का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो इतना का कितना आएगा, √3 - 1, √3 से 1 को घटा देंगे तो यहाँ का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1, यही ना होगा। और यहाँ जितना लंबा है, मतलब ये इसका लंबाई और यहाँ का लंबाई एक ही है, तो ब्रिज का भी कितना होगा, √3 - 1 हो जाएगा। तो ब्रिज का लंबाई हम लोग इजी से निकाल सकते हैं अब, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ से √3 है और ये कितना है, 1 है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं दूरी को, तो दोनों के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए √3, इसका वैल्यू हम लोग को 40 दिया गया है, मीनार की ऊंचाई दिया गया 40 और पूरा कितना है √3, तो √3 बराबर 40 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा का लंबाई हम लोग को 40 मीटर है और ये √3 है, तो √3 बराबर 40 मीटर। तो उसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे अब, क्योंकि ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, एक ही वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला 1 का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है, ठीक। √3 बराबर इतना, तो ये 1, तो 1 बराबर कितना होगा, हम लोग निकाल लेंगे, तो 40/√3 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 40/√3। अब देखिए इसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा, तो √3/√3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40√3 और √3 × √3 3 हो जाएगा। अब ये जनरल ये है, ठीक है, कैलकुलेशन है, ये आप शॉर्ट से बनाइए या फिर लॉन्ग से बनाइए, ये वाला कैलकुलेशन आएगा ही आएगा आपको। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू पता है आप लोगों को, 1.732 हो जाता है और 3 यहाँ पे लिख देना है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 69 इतना आएगा, ठीक है। अब इससे फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 23.093 आएगा। अब इसका मतलब क्या है, अप्रॉक्स में आंसर यहाँ पे दिया गया है तो 23 हम लोग मान सकते हैं। अब देखिए ये 23 हो गया, तो ये हम क्या निकाले, 1/23, मतलब यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 23 है। अब यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये अगर 23 निकला हम लोगों का तो इसका मतलब क्या है, ये भी 1 है तो इसका भी कितना होगा, 23। अब देखिए पूरा दागी का लंबाई हम लोग को पता है 40 है, पूरा दागी का लंबाई हम लोग को पता है 40 है, 40 में से अगर इसको घटा देंगे तो हम लोग का यही निकलेगा, और यहाँ जितना लंबा है वृक्ष का लंबाई भी उतना ही है, तो वृक्ष का लंबाई हम लोग का फट से निकल के आ जाएगा। तो 40 हम लोग को पता है ये, और इतना हम लोग का निकाले अभी 23, तो 40 से अगर 23 घटा देंगे तो हम लोग का ये वाला वैल्यू निकलेगा, तो घटा देते हैं, तो 40 से 23 घटा देंगे तो हम लोग का आएगा 17, और ये इतना का दूरी आया, और यही ना वृक्ष का ऊंचाई है, यहाँ जितना ऊंचा है यहाँ पे भी उतना ही है, तो इसका बराबर है वृक्ष का, तो वृक्ष का कितना आ गया 17, ये कितना है वृक्ष का ऊंचाई है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया एक मीनार की चोटी, तो एक मीनार बना लेना है, ये मीनार हो गया, एक मीनार की चोटी, मतलब ये वाला मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन बोला गया है तो उसके बगल में बनाएंगे, ये क्या है भवन है, और ये दिया गया इसका हाइट 7 मीटर है इसका हाइट, और तो यहाँ पे अगर भवन है तो नीचे में जमीन जरूर होगा, क्योंकि जमीन पे ही मीनार और भवन बन सकता है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये हो गया, और आधार, ठीक है, आधार के अवनवन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो देखिए किसका कितना दिया गया है, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर, ठीक है, भवन के शिखर का और भवन के
पाद का, ठीक है, भवन के आधार का, तो आधार मतलब भी उसका पाद हो जाता है, तो इसका आधार का, इसके शिखर से ही इसके आधार का, और इसका दिया गया अवनमन कोण 4560 है, तो पहले किसका बोला गया था, वही 45 होगा, तो पहले देखिए किसका बोला गया था, भवन के शिखर का, तो भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये है, तो इसका कितना है 45 है, और फिर बोला गया था उसके आधार, तो आधार का कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख देना है। अब हम लोग उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस प्रोसेस से अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो बोला गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, अब हम उतना लिखेंगे नहीं यहाँ पे, 60 या हम यहाँ पे अगर 60 है तो ये पता ही है 90 होता है, तो फालतू लिख के क्या टाइम वेस्ट करना है। तो देखिए ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, ये वाला वैल्यू अगर 30 है तो ये कितना हो गया 30, 60, 90 का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक, लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों का कोई डाउट रहे ना। नहीं आप लोग इतना लिख के मत सॉल्व करिएगा क्योंकि टाइम इसमें वेस्ट होता है, हम समझाने के लिए लिख देते हैं। तो देखिए ये 30 होगा, 60 है तो यहाँ पे 30 और 90 होगा, तो 30 60 90 के लिए हम बताए थे 1√32 हो जाएगा, तो 30 का हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा। अब 60 के लिए हो जाएगा √3, तो 60 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, मतलब ये वाला टोटल कितना होगा √3। तो ये वाला हम थोड़ा बाहर में लिख लेते हैं, ठीक है, इस फिगर के लिए थोड़ा बाहर में लिख लेते हैं ताकि पहचानने में ईजी हो। तो ये बड़ा वाला फिगर है और ये छोटा वाला फिगर है, तो छोटा वाला फिगर के लिए हम लोग सामने में लिखेंगे तो ताकि पहचान सके। तो देखिए 30 का हो गया 1, 60 का √3 और 90 का 2, तो ये नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। अब इसका देखिए 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और ये 90 होगा, तो ये 45 है तो 45 का 1 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 45 है, ये 45 है तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो इसका लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब हम लोग को पूछा गया था मीनार की ऊंचाई, ये हम लोग को निकालना है, और ये दिया गया था 7 मीटर, तो देखिए ये दागी और ये दागी एक ही जैसा है, मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई एक ही है, तो ये अगर 7 मीटर है दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 मीटर ही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का दिया गया है 7 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हम लोगों को दिया गया है। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो भवन का ऊंचाई पूछा गया, मतलब ये √3 हमको निकालना है। तो देखिए ये वाला हम लोग बहुत ही इजी ट्रिक से कर सकते हैं, तो इतना का हम लोगों को दिया गया है, तो अब देखिए ये टोटल कितना है √3 है, अगर मान लेते ये टोटल कितना होता 3 होता, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पता है 1, तो टोटल का लंबाई कितना है 3 है, अगर 3 मानते यहाँ पे, ठीक है, अब समझाने के लिए बोल रहे हैं, है तो √3, लेकिन 3 अगर रहता यहाँ से यहाँ तक 3, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाता, 3 से 1 घटा देते हैं, उसी तरीके से √3 है तो √3 से 1 घटा देंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3 -1, क्यों √3 से 1 को घटा देंगे तब नहीं आएगा, तो √3 से 1 घटा देंगे तो इस दागी का लंबाई आ जाएगा, तो इस दागी का लंबाई हम लोग कितना है 7 दिया गया है। और पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है ये पूरा, तो पूरा का कितना है √3 है, तो √3 -1 बराबर इतना, तो √3 बराबर हम लोगों को निकाल देना है, तो 7 और ये डिवाइड में आ जाएगा √3 -1, और ये मल्टीप्लाई में, अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, तो 7√3 हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा √3 -1। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं देखिए, जब यहाँ पे √3 -1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो +1, और यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे भी हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है, तो देखिए 7√3 को और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बहुतों को दिक्कत होता है, हम लिख के साइड में समझाते हैं। ये 7√3 है, इससे मल्टीप्लाई मतलब क्या, 7√3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है, ठीक है, एक बार इससे करेंगे एक बार फिर इससे, तो 7√3 × 3 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × √3 √3 3 हो जाएगा, 7 3 = 21, तो डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21, फिर प्लस, फिर 7√3 + 1 हो जाएगा 7√3। अब यहाँ पे देखिए ए इसको मान लेते हैं और इसको बी, तो ए और बी हो जाएगा, ए माइनस बी होगा यहाँ पे ए प्लस बी, तो हम एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये है तो ए के जगह पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 + 7√3, अब √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब और एक स्टेप ये बनेगा, अब √3 का वैल्यू हो जाता है 1.732, और इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा,
अब इसको कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 16.562 आएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आंसर हम लोग का इतना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक हवाई जहाज, ठीक है, तो हवाई जहाज हमेशा हवा से, हवा में रहता है, मतलब वो जमीन से ऊपर में रहता है। तो एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण, तो नदी है यहाँ पे, ठीक है, इसको नदी है, और नदी के दाएं और बाएं दो जहाज है, ठीक है, एक ये हवाई जहाज है और यहाँ पे नदी में दो गो जल जहाज है, तो दो गो जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है यहाँ से देख रहा है। तो किसी साइड भी आप 60 डिग्री लिख लीजिए और किसी साइड में भी 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डिग्री और यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री। तो देखिए, हम लोग जब इस सब क्वेश्चन को बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये देखिए दूसरा टाइप का त्रिभुज बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए, दो को राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बना। तो बोल रहा है यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो दो को जहाज कहाँ पे है, एक ये वाला है और एक यहाँ पे है, और इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया गया है 1 किलोमीटर दिया गया है, तो लिख लेना है 1 किलोमीटर। तो बोल रहा है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हम लोगों को निकालने बोला गया है, तो इजी से निकाल सकते हैं ये वाला हम लोग, ठीक, इसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, वही तरीका हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो देखिए ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं अभी, तो ये 60 है, तो ये 30 और ये 90, तो 30 के लिए हो जाता है 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1, और 60 के लिए हो जाएगा √2, 1√3 हो जाएगा, 60 के लिए √3 और 90 के लिए 2। उसी तरीके से अब इस फिगर को देखिए, यहाँ 45 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 45 होगा और यहाँ पे 90 होगा, तो 45 के लिए हो जाता है 1 और इसके लिए 45 के लिए फिर 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2, यही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हाइट है, या तो √3 होगा या तो फिर 1 होगा, एक ही दागी है, दो गो लंबाई तो हो नहीं सकता, दो गो हाइट अलग अलग तो नहीं हो सकता है। तो देखिए जब दो गो अलग अलग रहे, तो हम बताए हैं जितना भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, 1 वाला जो रहता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे √3 है, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक में किए तो इस फिगर से 3 गो जो बना है, मतलब इस फिगर का 1 गो ये है और ये है, तो तीनों से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही से, तो इससे मल्टीप्लाई किए तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि इसका तो कोई ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए सिर्फ समझा रहे हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई तो इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन ये हम बोल रहे थे कि ये वाला अगर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, और इधर वाला भी अगर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। तो देखिए 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3, मतलब ये टोटल का √3 है और ये भी कितना हो गया, √3। अब समझ में आ रहा है कि ये निकालना है हम लोगों को, ये तो ये क्या है, √3, तो मतलब हम लोग को निकालना क्या है, √3 निकालना है। अब यहाँ पे दिया गया क्या था, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस हम लोग को दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक √3 है, तो ये टोटल को मिला देंगे, मतलब 1 और √3 को मिला देंगे, तो इसी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों दागी को मिलाएंगे, तो इस दागी का लंबाई 1 है और इस दागी का लंबाई है √3, तो हम लिख सकते हैं √3 + 1 = 1 किलोमीटर, ये दोनों दागी को मिला दिए, तो ऐसा मत लिख दीजिएगा 1 + √3, ठीक, इसको भी लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखना है। तो देखिए √3 + 1 = 1 किलोमीटर हो गया, तो हम लोग को निकालना क्या है इसका हाइट, तो हाइट क्या है, √3 है, ठीक है, दोनों में देखिए √3 हो गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का, √3 निकालने बोला गया, तो √3 = सॉल्व कर देना है, बस यही इक्वेशन आया, इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर आएगा। तो देखिए सॉल्व करते, ये 1 है तो उतार देना है और इसको नीचे में लिखना है और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा और ये हो जाएगा √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 और ये भी √3 - 1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, फिर √3 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब ये a+b a-b में टूटेगा तो a² - b² हो जाएगा। अब लिखेंगे 3 - √3 और √3 का² 3 और 1 का² 1। अब इसको आगे सॉल्व अगर करेंगे तो हम लोग आएगा क्या, 3 - 1.732 लिख सकते हैं √3 के जगह पे, और इसे घटाएंगे तो 2 आएगा,
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये 3 से है, 3 से अगर 1 को घटाएंगे, 3 से 1 को घटाएंगे तो 2.732 होगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसे इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 का टेबल में 1 बार में 2, 2 का टेबल में 3 बार में 6, इतना ही ना होगा। देखिए इसे इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब इससे इसको ये जो माइनस किए हम गलत माइनस कर दिए थोड़ा सा, इससे इसको माइनस करना है और इसको डिवाइड करना है। तो इससे इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 1.268 और डिवाइड में 2 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.634 आएगा। और ये हम लोग का किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। अब बोलिए क्यों किलोमीटर में आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में था तो यहाँ पर भी किलोमीटर लिखा था, तो ये हम लोग का किलोमीटर में आया, लेकिन आंसर दिया गया है मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ये दिया गया है 0.634, ये हम लोग का निकला, दिया नहीं गया, ये हम लोग का निकला आंसर, ये हम लोग का निकला किलोमीटर में। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3634 मीटर, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया मीनार की चोटी पर, तो ये मीनार मान लेते हैं, यहाँ मीनार की चोटी है, ठीक है। मीनार की चोटी पर बैठा हुआ एक आदमी पाता है, तो एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार है और मीनार की चोटी ये है। मीनार की चोटी पर बैठा आदमी एक पाता है कि उसे ठीक दाएँ और बाएँ, तो यहाँ पर बैठा हुआ किधर भी दाएँ और बाएँ मान लेना है, ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि किधर दायाँ माने और किधर बायाँ, आपका जिधर मन उधर दायाँ और उधर बायाँ मान सकते हैं। तो मान लेते इधर दायाँ इधर बायाँ, तो दायाँ और बाएँ जमीन पर, तो ये जमीन हो गया, ठीक है। तो दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं का अवनमन कोण 45 और 60 है, तो किधर भी 45 बना दीजिए और किधर भी 60 बना दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ये मीनार है, इसका ऊंचाई हम लोगों को कितना दिया गया, 100 मीटर दिया गया है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकालें। अब इसमें क्या दिया गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, उसमें ये दिया गया था, ये पूछा गया था, उसमें इसमें क्या किया, ये वाला दिया गया है और ये वाला पूछा गया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये 45 है, तो ये वाला अगर फिगर देखेंगे, ये वाला हम लोग, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये 90 होगा, यही होगा। अब 45 45 90 के लिए हम बताए थे 1 1 √2, तो इस 45 के लिए 1 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा, और इस 45 के लिए यहाँ के लिए क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 90 के लिए √2 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका हम लोग बनाएंगे, तो ये 60 है तो ये 30 होगा और ये तो 90 होगा ही होगा। 30 के लिए हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा, 60 के लिए हो जाएगा √3 और 90 के लिए 2 हो जाएगा, वन रूट थ्री 2 हो जाएगा, इसका लिख दिए। अब देखिए ये वाला जो हाइट है, इसमें भी देखिए दो को अलग अलग आ गया, तो जब दो को अलग अलग आएगा तो 1 जो रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को, तो √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाला फिगर में हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तीनों साइड से करना पड़ेगा, तो इससे किए तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं इसको कर कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये भी √3 होगा। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ये हाइट दिया गया है √3, ठीक, हम लोग का निकला √3 और इसका दिया गया है 100, तो √3 = 100 हम लोग लिख सकते हैं। और पूछा गया ये वाला टोटल डिस्टेंस, टोटल हम लोग का इजी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना आया, √3 आया, और यहाँ से यहाँ तक 1 आया, ये पूरा दागी का बराबर ही है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक √3 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो दोनों को मिला देंगे अगर तो इतना लंबा बनेगा, तो इसी को पूछा ही गया है। तो कितना पूछा गया है, √3 + 1 = निकाल देना है, तो 100 और ये डिवाइड में चल जाएगा, ये हम लोगों का डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 100 √3 + 1 और ये √3 डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे √3 / √3 से, नीचे में जो रहता है उसी से रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो 100 × √3 और पहले लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते पहले, तो 100 √3 हो जाएगा, फिर √3 + 1 और √3 √3 3 हो जाएगा। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जिसको अगर आता है, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आता है, वो इसके बाउंस भी कर सकता है। तो देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 है, √3 × √3 3 होगा, 3 × 100 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 100 को अगर 1 से 100 √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 और डिवाइड में 3,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस 100 और इसको वो लिखेंगे 1.732 और डिवाइड में 3। अब ये सबको पूरा कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो आएगा 157.7, ठीक है, कितना मीटर आ जाएगा। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो देखिए यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।